तो भाई आज 12 मुहर्रम वाला जुलूस है और काम बहुत है। 9-10 मुहर्रम को भी हमने शरबत और न्याज वगैरह हो गई थी, जो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को 10 मुहर्रम को मैंने बिरयानी की थी। मैं सोच रहा था कि मैं 12 मुहर्रम वाले जुलूस में करूं, लेकिन सही है 10 मुहर्रम को हमने वो कर दी थी। और मैंने कमेंट्स देखे माशाल्लाह से, कहा बहुत से लोग हैं जो समझदार है, वो अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। जिनको समझ नहीं है तो पहले सवाल कि आप शिया हो के सुननी, और जो उसके बाद दूसरा दिखावा करके जाया कर। पता कोई एक यूट्यूबर था, मैंने उनकी ये देखी थी कि उन्होंने बोला कि नेकी करो और सोशल मीडिया पे डालो। अब ये बात बुरी लग रही होगी तो सीधी सीधी दिखावे की बात कर दी, नहीं इसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है आजकल वाली, वो सारी सोशल मीडिया से 10 चीजें सीख रही है। कहीं भी कुछ होता है पड़ोस पड़ोस के मुल्कों में भी, तो सोशल मीडिया पे हमारे सबसे पहले आते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे सब नेकियां डाल रहे हैं अपनी, सब कर रहे हैं, तो इससे ये कि हम आप लोग को मोटिवेट करने के लिए डालते हैं कि आप लोग भी कोशिश करो। मैं तो उल्टा दुआएं भी देता हूं कि यार अल्लाह आपको भी तौफीक दे, अल्लाह आप लोग को इतना दे कि आप लोग भी न्याज वगैरह करो। लेकिन खैर, और वो जो शेयर सुनने वाली बात थी यार, बस जो शेयर सुनने वाली बात थी ना, उसका जवाब मैं दे देता हूं। मैं नहीं दूंगा, मैं एक क्लिप है आपको बस वो दिखाऊंगा। आप ये क्लिप देखो, मैं जरा जा रहा हूँ काम से, मैं वहां से काम से होके वापस आता हूँ, फिर हमें एक और काम से जाना है, फिर रात में आज जुलूस। हे फॉर्म व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब? सुकाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जरा गौर से सुनना। सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमाए हैं, शिया भाई भी आए हुए हैं, और मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि मैं शहंशाह हुसैन नकवी सुन्नी। अहले बैत की मोहब्बत का नाम है शिया होना, तो फिर सारी दुनिया सुन ले मैं भी शिया। अब मैं तो जिस काम से गया था वो तो हुआ नहीं, तो जुलूस से पहले के कुछ मनाजिर हैं ये देखो। खैर, इस वीडियो में हम गाने वाने तो यूज़ कर नहीं सकते, तो मैंने कोशिश की थी मनकपत वगैरह लगाने की, बट कॉपीराइट इश्यूज, बहुत कोशिश की नहीं लग रहे, तो मैं बस आगे से म्यूज़िक खोल दूँगा। अब आप लोग ऐसे ही देख लो, कॉपीराइट इश्यूज हैं, वरना प्रॉमिस मैंने बहुत मेहनत की है। अब जो मुझे काम था वो तो हुआ नहीं, लेकिन इससे पहले यहाँ के मार्ट्स वगैरह बंद हो जाए, मुझे कुछ सामान उठाना था, मैं जाके वो फौरन से फटाफट से उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर दुकानें बंद हो गई तो फिर मेरा दिल खराब होगा, बिल्कुल ऑफ सीन हो जाएगा ना। तो एक काम करते, पहले उठाते सामान, बाइक पे तो लेके जा नहीं सकते, वो अगर मिल गया तो फिर हम एक काम करेंगे, रक्षे में रख के घर जाएंगे, घर पे सामान रखेंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद घर वर जाके रेडी होके फिर जुलूस स्टार्ट होगा कोई रात के 9-10 बजे तक, और चलेगा सुबह फजर तक, फिर देखते आगे क्या होता है। चल अरे भाई, यहाँ पे बड़ी मेहनत से मिल गए स्लाइस जूस, अब यहाँ से उठाने, वहाँ का तो सारे बंद थे, अब यहाँ पे बहुत दूर आया हूँ मैं लेने, बस यहीं से अब रक्षे में लेके जाना पड़ेगा। लेके जाऊंगा, रास्ता बंद होगा ना, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, बस चलो। भाई ये टोटल पूरे 20 कॉटन है, सही है, हम इसको यहाँ रख देते हैं अभी। ये इतने सारे स्लाइस जूस हैं, ये सारे हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है, जो सीन है इसको रखना है पहले तो जाके घर पे। जैसे मैंने जूस वगैरह का इसलिए किया क्योंकि ये है कि चलते फिरते ये बढ़ जाएंगे, अभी रक्षे में साथ ही जा रहा हूँ, ये है कि चलते फिरते ये बढ़ जाएंगे, इसका इशू नहीं हुआ। अगर बिरयानी वगैरह करते तो हमें टोटली वहाँ टाइम देना होता, तो ये जूस है कि हम बांट भी देंगे सारे बॉयज मिलके, उसके बाद हमें अलम उठाना होता है, तो जब अलम उठाएंगे तो ये जूस कैसे बांटेंगे, अलम उठाएंगे या जूस बांटेंगे, लेकिन हम ये करेंगे पहले जूस वगैरह सब बांट देंगे, फिर उसके बाद हम अलम उठाएंगे, बस ये घर जाना है छोड़ने, और फिर हमें फार्म की तरफ जाना है अलम उठाने, अलम लेके आएंगे फिर वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो समझ नहीं आ रहा यार ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं, मतलब टोटली आगे के भी पेड़ काट रहे हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि पेड़ काटना पौधे तोड़ना गुनाह है, तो हमें सिखाया गया है, तो फिर पता नहीं क्या उसूल है भाई सबके। बस सारे रखती है भाई, बस ये तीन रह गए हैं, अभी कैमरा खोला तो इसलिए एक उठाना पड़ा है, वरना तीन तीन उठा के लेके जा रहा आपका भाई। भाई यहाँ रख दिया हमने, बस आखिरी दो भी है यार भाई हो गए, थैंक यू सो मच भाई जान। मेरा कार्ड यहाँ पे, मैं वहाँ भूल गया था, पता है जूस लेके आया हूँ, तो सारे तुमने देखे, देखे। न्यास के हैं देखो, सही है, इतने तुम चलोगी या नहीं चलोगी? मैं चलूंगी। है? मैं चलूंगी, लेकिन मैं तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे पता है, हर साल पता है क्या होता है, मैं अपने काम कर रहा हूँ, ये वहाँ दिखती है मुझे, यूँ करती है दूर से। जुलूस में क्या होता है भाई, मुझे लेके नहीं जाते, अलम उठा रहे होते हैं भाई, जब अलम उठा रहे होते हैं ना तो मैं भाई के पास आ जाती हूँ, वरना भाई से मैं दूर दूर रहती हूँ। जुलूस में जैसे भाई अलम उठाते फिर मैं भाई को देखती हूँ, भाई गुस्सा करते हैं, पियोगी जूस पियोगी इसमें से? ठंडे कहाँ से होंगे ये, अभी पागल हो गया तो फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में कैसे डाल दूंगा, ठंडे नहीं होंगे यार, अब के लिए अलग सिस्टम करना पड़ेगा ठंडे के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन खैर लोग ऐसे भी पी लेते हैं। जो काम है अगला हमें ये है कि हम लेने जा रहे हैं बहुत दूर से लेके आना है, उसके बाद हम यहाँ आए थे जरा इन बकरों को खाना वाना देना था, वो खाना वाना दे दिया सब, हम वापस जा रहे हैं। सारे काम हो गए, घर आए, कपड़े वपड़े चेंज करने, नहा धोगे, पूरा पसीना पसीना, इतना बुरा हाल हो गया, जल्दी से नहाऊंगा, नहा के मैं कपड़े चेंज करूंगा। अच्छा, मुझे कुर्ते समझ में आ रही है, और मैं आप लोग को भी एक बार बताना चाहता हूँ भाई, कोई मुझे आगे कमेंट्स में ना बोले, ये देख रहे हो कुर्ता, अब इसके ऊपर ये है ना, जैसे ये मेरे पास ऐसे एक और है, आप लोग समझोगे भाई नहीं, ये एक वही वही वाला कुर्ता पहनता है, ये देखो ये एक इसमें भी है
और ये इसमें भी है। तो एक जैसे कुर्ते मेरे पास दो तीन है, ये एक और भी है ऐसा, लेकिन वो मैला है अभी। ये मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा धो के कपड़े चेंज करते हैं फिर निकलते हैं यार बस। और एक बात और, बाहर बारिश भी हो रही है लेकिन खैर बारिश से इतना कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए वैसे, हमें ना किसी और को। फिर चलो जूस भी पहुँचाना है वहाँ तक, लेट्स गो। असल में ना मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं जाते हुए ना ये मैगी बनने रख के गया था, अब ये मैगी बन गया, बस जल्दी से फटाफट से मैं खाता हूँ फिर जाऊंगा, वरना कसम से मेरा बुरा हाल हो जाएगा, उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा कुछ खाने पीने का। खाना पीना बहुत होता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आलम के साथ होंगे हम तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, तो अभी खा पी के निकलेंगे भाई। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पीछे एडजस्ट किए सारे जूस आ गए, अब गाड़ी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि वहीं खड़ी कर दूंगा जूस, अब इतने सारे हम पैदल तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर, टायर्ड हो गए सारे रखने में अकेले। चलो चलते हैं, लम का सामान ये भाई के हाथ में, इनके थर्ड वो पीछे लेके आ रहे हैं, बस चलते हैं। अभी अलम की ना बुलंदी कर दी, अब मैं सोच रहा था थोड़ा सा यहाँ करीब में गाड़ी खड़ी थी, तो अभी जितने हो सकते हैं ना स्लाइस के कॉटन ले जाता हूँ और अभी हाथ के हाथ ही बांट देते हैं, सारे निकाल लो दो दो करके, ठीक है। चलने से दो लाचार था, चलने से दो था, और शाम का बाजार 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 था, और मुस्तफा की बेटियां मौला। भाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, सारे आलम को देखो सब ऊपर है, और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो देख सकते हो आप लोग सब, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन खैर है ये जुलूस रुकेगा नहीं। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू, फलक दाम प्यास बनी भाई। जुलूस वगैरह से फ्री हो गए, बारिश इतनी हो गई थी कि फ़ोन वगैरह बाहर निकाला था जो मैंने ना व्लॉग वगैरह के चक्कर में, उससे ही हुआ कि मेरी फेस आईडी चली गई, शायद मेरा माइक भी ख़राब हो गया, इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है ये नहीं पता, लेकिन स्पीकर भी फारिग हो गया मेरा। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग के लिए व्लॉग बनाया था, अब ये देखना मोबाइल बहुत लैग कर रहा है, क्या मसला आ गया इसके अंदर, पानी कहाँ चला गया, एडिटिंग होती है कि नहीं होती है, अगर एडिटिंग आज होती है तो ठीक है फिर आपको व्लॉग कल ही मिल जाएगा,
पढ़ने थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बस अभी सुबह हुई है तो हम फ्री वगैरह हो गए थे सब। लेट्स सी, घर चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं यार। फिर बड़ी मेहनत के बाद मैंने जैसे तैसे करके इस व्लॉग को एडिट करा और आप लोग तक ये मैं पहुंचा रहा हूं। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि बारिश में बहुत भीग गए थे, और फिर उसके बाद एसी भी चल रहा है, तो भाई आप लोगों ने बस लाइक कमेंट शेयर कर देना है, बाकी काम मेरा है, बाकी मैं देख लूंगा। लाइक कमेंट शेयर वाला काम आप लोग देख लो। कल मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। अरे कल तो इंडिपेंडेंस डे है, करते हैं सुबह उठ के।